रैड स्टूडियो में जब भी हम फायरबेस का यूज कर रहे हो तो यह ध्यान दें कि हमें यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन या जैसे रेटिंग हो गया हमारा, URL हो गया, नेम हो गया, ये जो भी कुछ होता है, मतलब इसके अंदर जो होता है इसको आप एडिट नहीं कर सकते बार बार। एक बार बन गया तो एडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको जरूर एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, या तो दूसरा तरीका यह होता है आपको डायरेक्ट यहाँ पूरा डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, पूरा डिलीट करना होगा। जैसे आप देखिए मैंने डिलीट कर दिया इसको, लेकिन आपको डिलीट नहीं करना है यहाँ पे। अगर डिलीट करना तो बचना चाहते हैं तो आपको ये वाला सही होना चाहिए, यहाँ से ये वाला पूरा पूरा सही होना चाहिए, या ये वाला पूरा पूरा सही होना चाहिए, ये पूरा का पूरा सही होना चाहिए, ये वाला। इधर से कोई भी मिस्टेक करिए कोई दिक्कत नहीं, इधर से मतलब जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, बट URL मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए URL यहाँ पे है तो ऐसा नहीं कर सकते यहाँ कि HTTP है तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे तो हो जाएगा, तो भी काम नहीं करेगा। इसका नियम है कि इतना ही करना पड़ेगा, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि आगे वाला जो है ये जो आप चूज करते हैं इसको सही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर एड फील्ड किया है और मैंने डिस्क्रिप्शन जो उड़ाया है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ये वाला लिख तो दूंगा मगर हो सकता है कि एरर मिलेगी यहाँ पे। इसे मैं लिख दूंगा दिस इज गुड, मान लीजिए सबको इधर यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज गुड, ओके। मगर आप चाहते हैं कि इसे मेरा कोई एरर ना आए तो आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए कि ए वाला अपने आप से ना लिखें, आपको यहाँ से आना होगा जो हमारा मॉडल बना है, जो प्रोडक्ट का मॉडल होगा या जिसका भी मॉडल बनाए होंगे आप, तो इसके अंदर से ही आप कॉपी करें। यहाँ से बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ से आप आइए कंट्रोल सी करिए और यहाँ से आप ले आकर के वहाँ पर अगर पेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा बाद में, क्योंकि यह बाद में दिक्कत कर देता है। यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा बाद में, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें से कॉपी नहीं कर सकते हैं यहाँ से, तो एक और तरीका यह है कि ऐसे मैंने बोला ना कि आप कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पे आपने मान लीजिए दिस इज यहाँ से करके और यहाँ पे आपने क्या किया गुड कर दिया और यहाँ से आपने क्या ऐड कर दिया, ओके। तो अब ये क्या होगा, हमको एरर नहीं मिलेगा क्योंकि आपके इसको मैं एडिट भी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया इसको मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे मतलब इसका बेनिफिट यह होता है। फिर यहाँ केक है, मतलब अलग अलग तरह से इधर वाला कोई दिक्कत नहीं होना। तो इसमें दो चीज़ में एरर नहीं है, एक चीज़ एरर नहीं आना चाहिए IMEJ URL में। IMEJ URL में गलत ना करिए आप, यहाँ पे इधर उधर ना करें, इसमें कोई भी इधर छेड़छाड़ ना करें, बट आपको इसके अलावा आप कहीं भी गलत कर सकते हैं, यहाँ पे गलत कर सकते हैं, इसी गुड़ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट ए वाला चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए वाला डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा होता है। यहाँ से अगर इसमें थोड़ा सा भी एरर आया, गलत हुआ, ये ए वाला अगर मैच नहीं किया यहाँ पे, तो आपको जो फोटो होगा, इमेज होगा वो मिलेगा नहीं और आपको एरर आकर होगा। इसलिए आपको इससे बचना है तो आपको इन सबका ध्यान रखना होगा। ए वाला सबके मेन है, प्लस ए वाला तो मेन ही है, ए वाला तो मतलब खास मेन नहीं है, बट जैसे IMEJ URL मेन है और इसमें सबसे ज़्यादा मेन आगे वाला है जो हमारे जो बनाते हैं जब भी हम यहाँ से ए डॉक्यूमेंट करते हैं और यहाँ से जाके यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर जो लिखते हैं हम इसे, ये फील्ड वाला सबसे मेन होता है यहाँ पे, ये एड फील्ड फिर एड फील्ड, ये वाला सबसे मेन होता है जो इसमें लिखेंगे वो वाला, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें गलत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, बस URL में गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब आपका काम चल जाएगा। ये हमारा होता है सबसे मेन, इसमें का होता है, इसलिए आप इससे बचें। तो देखते हैं, और हमें यहाँ भी गलत नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए पॉपुलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये पॉपुलर प्रोडक्ट, ये वाला ये पॉपुलर प्रोडक्ट जो हमारा सेम वहाँ पे होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। इससे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा, इसके अंदर आऊँगा, यहाँ पर तो नहीं होता है बट जो हमारा इसका मॉडल होता है उसके अंदर होता है, जैसे अडाप्टर होता है पॉपुलर अडाप्टर, उसके मतलब जो भी इसका अडाप्टर बना होगा उसमें इसका जिक्र किया गया होता है, तो आप उसको दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे हम, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप जहाँ चाहे वहाँ ये, इसके अलावा आपको यहाँ पे इसको जो मेन हमारा होता है फंक्शन जहाँ से मतलब ये एक्टिवेट होता है वो हमारा होता है मेन एक्टिविटी या माई होम फ्रेगमेंट होता है हमारा जो भी, क्योंकि होम फ्रेगमेंट में इसको एक्टिवेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे दिखा दूँ मैं ये जो पॉपुलर प्रोडक्ट है ये वाला, ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, स्पेस भी हो गया थोड़ा सा, तो आपका काम नहीं करेगा और ये वाला एक भी प्रोडक्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए ए वाला और ये वाला दोनों मैच करना चाहिए, प्लस इसमें क्या बताएं अभी आगे वाला मैच करना चाहिए, बाकी पीछे वाला मैच करे या ना करो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, IMEJ URL, नेम, टेटिंग टाइप जो भी आप दिए होंगे उसमें, तो उसको आपको देखना पड़ेगा।